हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। हम एलजेब्रा की मॉड्यूल थ्योरी की प्लेलिस्ट जो है वो शुरू कर रखी है, तो वही कंटिन्यू करेंगे। आज मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट थ्योरम करा रही हूँ, फंडामेंटल स्ट्रक्चर थ्योरम। उसी का दूसरा नाम है डीकम्पोजिशन थ्योरम, 2019 के एग्ज़ाम में आई थी। ठीक है, तो आज ये थ्योरम करेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आती ही है, मतलब 90% आ ही जाती है, एक साल छोड़ के या रेगुलर भी देखी गई है कई बार, लगातार बहुत कई कंटिन्यूस सालों में। तो फंडामेंटल स्ट्रक्चर थ्योरम और डीकम्पोजिशन थ्योरम, सबसे पहले तो नाम ही समझ लो, डीकम्पोजिशन थ्योरम और प्राइमरी डीकम्पोजिशन थ्योरम, कंफ्यूज मत होना, दोनों थ्योरम अलग हैं। 2019 में दोनों आई थी पेपर में, ये आई थी फंडामेंटल स्ट्रक्चर थ्योरम के नाम से और वो आई थी प्राइमरी डीकम्पोजिशन थ्योरम के नाम से, तो दोनों थ्योरम अलग अलग ही है। डीकम्पोजिशन आए तो करनी है ये थ्योरम। स्टार्ट करते हैं सॉरी, तो उसमें क्या है कि पहले, सबसे पहले तो स्टेटमेंट भी याद होनी चाहिए। नेमिंग थ्योरम है, नेमिंग थ्योरम कोई भी हो, आपको स्टेटमेंट याद करके चलनी ही चलनी है। आर कोई भी पीआईडी है, पीआईडी मतलब प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, जो पहले पढ़ते थे वही। एम कोई भी फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल है, तो ऐसा होगा अगर R कोई भी PID है, M उसका फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल है, तो ऐसा ये सिस्टम इसके आइसोमॉर्फिक होगा ही होगा। ठीक है, और इस सिस्टम के साथ या इस कंडीशन के साथ जो हमें प्रूव करना है, इसके साथ क्या है कि ये जो हर AIs है, A1, A2, AR, वो किस तरह होंगी, वो नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट होंगी। और दूसरी चीज़ क्या है, प्रीवियस वाली AI अपनी कनेक्स्ट वाली AI को डिवाइड करेगी। AI डिवाइड्स AI प्लस वन, मतलब A1 डिवाइड्स A2, A2 डिवाइड्स A3, A3 डिवाइड्स A4, AR माइनस वन डिवाइड्स AR। गॉट इट, प्रूफ के लिए चल रही है, चीज़ प्रूफ करनी है। गिवन सिर्फ यही है, R PID है, M फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल है। प्रूफ के लिए चलते हैं, हर फाइनाइटली, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करनी है, तुम्हें इस थ्योरम को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, पहले आई हुई है ये। हर फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल जो है वो आइसोमॉर्फिक होता है कोशेंट मॉड्यूल, किसके कोशेंट मॉड्यूल के, जो फाइनाइटली जनरेटेड फ्री मॉड्यूल होते हैं। अब फ्री मॉड्यूल तो तुम्हें पता ही है, फ्री मॉड्यूल पहले तो ये देख ले, एम कोई भी फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल है, ठीक है, थ्योरम की स्टेटमेंट ही कह रही है। फ्री मॉड्यूल है ये आर एन, हम लेट करके चल रहे हैं, आर एन कुछ भी कर सकते हो तुम, आर एम आर के कैसे करके, हमने लेट किया आर एन। आर एन का सब मॉड सॉरी कोशेंट मॉड्यूल क्या होता है, किसी भी चीज़ का, अगर हम कहीं ए का कोशेंट मॉड्यूल क्या है, पहले ए का सब ग्रुप लो कोई, मान लो बी है, तो ए बाय बी जो है वो इसका कोशेंट मॉड्यूल कहलाता है। ठीक है, तो आर एन बाय के जो है वो कोशेंट मॉड्यूल है, जहाँ की के आर एन का एक सब मॉड्यूल है, समझ आए। अब ये सब मॉड्यूल है तो पक्का इसका डायमेंशन जो है, या फिर मतलब एक तरह से जो तुम रैंक और डायमेंशन पढ़ के आते थे ना, वही चीज़ है। तो इसका डायमेंशन इससे कम ही होगा, क्योंकि ये इसका ही सब पार्ट है ना, सब मॉड्यूल है। तो अगर अब आर एन तो फ्री मॉड्यूल है, हमें पता ही इसका डायमेंशन एन होगा, तो एन से कुछ ना कुछ छोटा ही होगा, हमने लेट कर लिया एम है, तो एम ये तो पक्का है, या तो एन से छोटा होगा या इक्वल होगा, क्योंकि कंटेंड इन, ठीक है, इक्वल भी तो हो सकता है सब मॉड्यूल, ज़रूरी थोड़ी है ट्रिवियल वाला तो अपने आप में भी, आर एन भी तो आर एन का एक सब मॉड्यूल है, ट्रिवियल जो होते हैं, तो डायमेंशन इक्वल भी हो सकती है इनके। तो डायमेंशन ऑफ के डायमेंशन ऑफ आर एन से इक्वल होगी या लेस देन होगी, हमने लेट किया था एम, तो एम जो है वो एन के। अभी थ्योरम जो लास्ट वीडियो थी उसमें थ्योरम कराई थी मैंने कि अपने ही डायमेंशन के फ्री मॉड्यूल के आइसोमॉर्फिक होगा, इसका प्रूफ दिया था, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है इस थ्योरम में अगर आता है तो। ठीक है, तो के जो है वो आर एम के आइसोमॉर्फिक होगा, क्योंकि ये भी m, इसके डायमेंशन भी m है और आर एम का डायमेंशन भी m होगा। तो हमने लेट की एक आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन की फाई आर एम से k तक, कि आर एम के मेंबर पे लगाओगे तो इस तरह का है कि k का मेंबर आएगा। ठीक है, एक आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन की, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आर एम का बेसिस लिया, आर एम का बेसिस e1 e2 em करके होगा, m मेंबर्स होंगे आर एम है, तो ये E1, E2, EM किस टाइप के होंगे, कि E1 में फर्स्ट जो एलिमेंट होगा उस पे वन होगा, E2 में सेकंड एलिमेंट पे वन होगा, EM में mth एलिमेंट पे वन होगा। अब देखो फाई क्या है, फाई एक मैपिंग है जो कहाँ से कहाँ तक जाती है, फाई एक मैपिंग है जो कहाँ का कहाँ से कहाँ तक है, RM से K तक है ना आइसोमॉर्फिज्म,
अब तुम आरएम के मेंबर पे जब फाई लगाओगे तो के का मेंबर मिलेगा, तो अगर मैं कहूँ ईआई सारे के सारे आरएम में है तो फाई ऑफ ईआई क्या होगा? के में ही तो होगा, मतलब के नहीं होगा, के अंदर होगा फाई ऑफ ईआई। जितने भी फाई ऑफ ईआई होंगे वो सारे के में होंगे, और के तो सब मॉड्यूल है किसका, खुद आरएन का। तो हम ये कह सकते हैं कि फाई ऑफ ईआई बिलोंग करता है के, और के जो है वो सब मॉड्यूल है आरएन का, तो फाई ऑफ ई आई आर एन में भी होगा। ठीक है, ये वही बात है कि एक एलिमेंट ए जो है वो ए में है और ए सबसेट है बी का, तो वो इसमें भी होगा। ठीक है, तो फाई ऑफ ई वन पता चला, इसमें होगा आर एन में। इनका नाम दे रखा है सिर्फ ए वन वन, ए टू वन, ए एन वन, सिर्फ ये नाम है ताकि कन्फ्यूज ना हो, इसलिए मैट्रिक्स फॉर्म के नाम ले रखे हैं। फाई ऑफ ई टू ए वन टू, ए टू टू, ए एन टू, इस तरह नाम लिख लिया। ऐसे ही फाई ऑफ ई एम, तो ए वन एम, ए टू एम, और लास्ट में ए एन एम। एक एलिमेंट लेते हैं हम आर एम से, अगर एक्स जो है वो आर एम में है तो तुम्हें सिंपल सी ये बात तो पता ही होगी, अगर एक्स आर एम में है तो मैपिंग जो है वो आर एम से कहाँ तक है, के तक। तो फाई ऑफ एक्स किस में होगा, के में ना। अगर एक्स आर एम में है तो फाई ऑफ एक्स किस में होगा, के में। और तुम ये भी कह सकते हो या पिछले वाले की तरह के बिलोंग का, के जो है वो सब मॉड्यूल है आर एन का, तो वो उसमें भी होगा। अब एक्स कोई भी एक मेंबर लिया आर वन आर टू आर एम टाइप का, तो एक्स जो है वो आर एम में है, तो उसके जो बेसिस हैं उन बेसिस से मिला के उसके, सॉरी, उसका हर एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा बेसिस के एलिमेंट्स के साथ। ये लिख दिया, ठीक है, इसको लिख सकते हैं ना हम लीनियर कॉम्बिनेशन में, बेसिस लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। अगर नहीं समझ आ रहा तो दोबारा चले जाइए, वहाँ लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी छोड़ दूँगी उसके, पार्ट नंबर फिफ्थ है आई थिंक, हाँ पार्ट नंबर फिफ्थ देख सकते हैं। उसके बाद ई1 ई2 ईएम की वैल्यूज़ रखी हुई है, फाई अप्लाई किया दोनों साइड, आर1 फाई ऑफ ई1, फाई ऑफ ई1 ऊपर से एज इट इज़ वैल्यू रखी हुई है, फाई ऑफ ई2 की ऊपर से वैल्यू रखी हुई है, फाई ऑफ ईएम की वैल्यू रखी हुई है। ठीक है, R1, R2, RM, इन सबको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, सिंपल मैट्रिक्स की फॉर्म बन जाएगी, ये बनी हुई है मैट्रिक्स की फॉर्म। इस मैट्रिक्स को ऐसा लिख सकते हैं, प्रोडक्ट तो हम 11, 12 से पढ़ते आ रही मैट्रिक्स की, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसका नाम A रख दिया, इसका नाम वही है X, ये हम लेके चले थे लेट X इक्वल्स टू जो इधर लिया था हमने वही। ठीक है, ए एलिमेंट ए, तो फाई ऑफ एक्स क्या आ गया, ए एक्स फाई ऑफ, अगर एक्स फाई सॉरी एक्स पे फाई लगा रहे हैं तो ए एक्स आ रहा है, अगर पूरी की पूरी आर एम पे लगाएंगे तो क्या आएगा, ए ऑफ आर एम। अब पी आई डी का यूज़ करेंगे, जो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन जो दे रखा था उसका अभी तक यूज़ ही नहीं किया था हमने, आर को पी आई डी लेके चले थे। तो पहले तो ये इस पेज पे सिर्फ आपको डेफिनेशन बता रही हूँ कि क्या है ये पी आई डी। अगर R कोई भी PID है तो दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेंगी P और Q, उनका ऑर्डर N क्रॉस N और M क्रॉस M है, कि P का ऑर्डर N क्रॉस N है और Q का ऑर्डर M क्रॉस M है। तो PAQ एक डायगनल मैट्रिक्स होगी, और डायगनल मैट्रिक्स किस फॉर्म में होगी, कि A1 डिवाइड करेगा A2 को, A2 डिवाइड करेगा A3 को, और A3 डिवाइड करेगा AR को, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये PID है, इस वजह से है ये चीज़। अगर सोचोगे कि कहाँ से आई है, इसको क्यों डिवाइड कर रहा है, ये PID है, इस वजह से ये डेफिनेशन है एक तरह से, ये एक स्टेटमेंट है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, आपको ये याद रखनी है इस थ्योरम में, एज इट इज़ लिख के आनी है। ठीक है, उसके आगे देखो, ये कंसीडर करके चलते हैं, M जो है वो आइसोमॉर्फिक है RN बाई K से, पहले लेके ही चले थे, याद है स्टार्टिंग इसी से हुई थी। के को क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ आर एम, पीछे आइसोमॉर्फिज्म लेके चले थे, फाई ऑफ आर एम की जगह पीछे से वैल्यू पुट कर रखी है, क्या लिख सकते हैं, ए ऑफ आर एम। अब मैंने कही थी कि डायगनल वो पी आई डी यूज़ किया था, तब पी ए आर एम की जगह पी ए क्यू लिख सकते हैं, पी और क्यू इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, कि ये इसका इन्वर्स है। ठीक है, तो इससे क्या पता चल गया, एम जो है वो आइसोमॉर्फिक है आर एन बाय पी ए क्यू आर एम, सिर्फ वैल्यू पुट करते हैं पहले वाली में से। पी ए क्यू क्या होगी, किस फॉर्म में होगी, डायगनल मैट्रिक्स होगी, जो हर एक ए आई जो है वो अगले ए आई प्लस वन को डिवाइड करेगा,
ठीक है, प्रीवियस वाला मतलब ए वन डिवाइड करेगा ए टू को, ए टू डिवाइड करेगा ए थ्री को, इस तरह से ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, सिर्फ कुछ नहीं है, आर एन को एन टाइम्स खोला, ये आर एम था तो इसको एम टाइम्स था, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो क्या बन जाएगा आर ए वन प्लस आर ए टू प्लस आर ए थ्री प्लस आर ए आर तक तो बनेगा, उसके बाद ज़ीरो है सारी बची हुई, तो वो सारी ज़ीरो। यहाँ तक समझ आ गया, ये एन टर्म्स हैं, हमें चाहिए आर है, तो इसमें से पहले एन माइनस आर निकाल लो अलग से, एन माइनस आर अलग निकाली तो आर बच गई, टोटल एन थी, तो आर ए वन प्लस आर ए टू, और इस तरह करते करते आर एन माइनस आर को अलग से लिख लो, उसके अपोन में सिंगलटन ज़ीरो लिख लो, इसके अपोन में क्या करो ये आर टाइम्स है, इसको अलग अलग करके देख लो, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर आर टाइम्स, सबको अलग अलग कर दो, और क्यों अलग हो सकता है उसका रीज़न ये है, और पहले करा भी चुके हैं हम ये क्यों है, ठीक है। ये चीज़ें अगर तुम, ये एक बार एक क्वेश्चन आया था कि ये थ्योरम प्रूव करो, एम क्रॉस एन बाय ए क्रॉस बी इज़ आइसोमॉर्फिक टू एम बाय ए क्रॉस एन बाय बी, ये थ्योरम हिंट दे देती हूँ कैसे होगा, ये थ्योरम सारी की सारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलजेब्रा ऑन मॉड्यूल्स कराई थी, इसको ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, दिस बाय कर्नल ऑफ दिस इज़ आइसोमॉर्फिक टू दिस, और कर्नल फाई को इसके इक्वल प्रूव कर देना। नहीं आ रहा हो समझ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं अगली वीडियो में आपको ये करके बताती हूँ पूरा सॉल्व करके, और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो यही प्रूव होगा, एन माइनस आर का एक नाम रख दिया आर एस, और यही प्रूव करना था, जहाँ हम ये लिख सकते हैं हर ए आई ए आई प्लस वन को डिवाइड करेगा, आई की वैल्यू वन से शुरू होगी और आर माइनस वन तक जाएगी, ठीक है। अब एक नहीं एग्जाम्पल करा रही हूँ बस, उसके बाद फिर मॉड्यूल थ्योरी ख़त्म हो जाएगा, अगले में नोएथेरियन और आर्टिनियन मॉड्यूल शुरू करेंगे, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता डायरेक्टली ऐसे कि एबिलियन, फाइंड द एबिलियन ग्रुप, कौन सा एबिलियन ग्रुप होगा जो एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री से जनरेट होगा, और इसके लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको दे रखी है, इससे मैट्रिक्स बनाना, क्या करना, ये इसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर थ्योरम के लिए ही है, डीकम्पोजिशन थ्योरम के लिए, इसको डायगनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लो, रोज या कॉलम ऑपरेशन लगा के डायगनल मैट्रिक्स बना लो इसको। अब डायगनल मैट्रिक्स किस तरह की बनानी है ये है इम्पॉर्टेंट, डायगनल मैट्रिक्स तो कहने को ये भी है 1 5 7, ये भी डायगनल मैट्रिक्स है, लेकिन इस तरह की नहीं बनानी, कैसे बनानी है कि हर ए आई अगले ए आई को डिवाइड करता हो, पहले रोज या कॉलम ऑपरेशन जो भी लगा के इसको कन्वर्ट कर लो। मान लो हमने कन्वर्ट कर ली, और कन्वर्ट करने के बाद आ गई ये, ठीक है। अब ये एक डायगनल मैट्रिक्स है, और किस तरह की है कि वन डिवाइड करता है टू को, और टू डिवाइड करता है फोर को, तो इसका मतलब जैसी मैट्रिक्स हमें चाहिए थी वो आ गई ना, ए आई हर ए आई अपने से अगले ए आई को डिवाइड करे, ठीक है। तो जी जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा, ये जो अबिलियन ग्रुप ढूंढना था, जेड बाय वन जेड क्रॉस जेड बाय टू जेड क्रॉस जेड बाय फोर जेड, ठीक है, क्योंकि वन टू और फोर ही आए थे डायगनल्स पे। अब जेड बाय वन जेड को लिखने का कोई मतलब नहीं है, अगर आप नहीं लिखते हो तो भी चल जाएगा, अगर एज इट इज़ छोड़ देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको हटा देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जेड बाय टू जेड क्रॉस जेड बाय फोर जेड, ठीक है। अब हमें पता था कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो तीन थी, तीन वेरिएबल्स थे, तो मतलब ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि एक जो है वो जेड बाय वन जेड होगा अगर नहीं लिखा है तो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है ठीक एग्जामिनर। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं गाइज, नोएथेरियन मॉड्यूल कराएंगे अगली बार, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या अपनी कोई एडवाइस देना है, कोई सजेशन देना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन के लिए वहाँ फॉलो कीजिए प्लीज़। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।